İstanbul gibi şehir hiç yok sanmam. İçinde tarih ve milyonlar var. Şarkılar hep bu şehri anlatıyor. Bak huzur verir bu şehrin parçası olmak. Bu şehirde yaşayıp surat asan olamam. İstanbul takımı tutar ama bok atar. Herkesin olmak istediği yer tabii memleketin daha güzel. Tamam o zaman İstanbul dünyanın başkenti. Küçük yerde yaşıyorsun ama ben değil. Ya şehri yenersin ya da tam tersi. Pardon da diğer şehirler çoktan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Kya hal hai dosto? Umeed karta hu aap sab khairiyat se honge. आज के इस वीडियो में मैं टीआरसी रिन्यूअल के बारे में बात करूंगा, जो कि तुर्किश इमिग्रेशन की तरफ से एक नया रूल आया है जिसके मुताबिक आप टीआरसी जो है 2020 के बाद आप रिन्यूअल नहीं करवा सकते। मतलब यह है कि फर्स्ट टाइम आपको आसानी से मिल जाएगी, लेकिन रिन्यूअल के लिए जो आपको कोई वजह देनी होगी, या तो आपका इधर बिजनेस हो या फिर इधर वर्क परमिट पर काम कर रहे हो। तो इसके लिए गोश्तदारसी की तरफ से सबको एक ख़ास मैसेज भी भेजा गया है, तो वो मैसेज मैं आपको ये स्क्रीन शॉट दिखाता हूँ और लिंक भी आपको मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आप पढ़ लीजिएगा कि क्या रूल है और क्या वजूहत हैं जिसके बिहाफ पे वो आपको रिन्यूअल दे सकते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट पे देख लें। आपने देखा स्क्रीनशॉट पे जो मैसेज मैंने भी आपको दिखाया, जो गोश्तदारसी की तरफ से आया हुआ है, बकायदा काफ़ी लोगों को भेजा गया ये मैसेज। तो जाहिर सी बात अब आपको रिन्यूअल के लिए कोई ना कोई वजह देनी होगी, या तो आपके पास बिज़नेस हो या फिर वर्क परमिट हो, ये दोनों चीज़ों में से होना कोई ना कोई चीज़ का, एक चीज़ का होना लाजमी है जिसके बिहाफ पे जो है आपको 2020 के बाद से मतलब रिन्यूअल मिलेगी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।